गाइस ये देखो मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं से पढ़ा था भाई। ये देखो गन्नौर में पढ़ता DITM दिख रहा ना भाई है भाई बिल्डिंग बची है सही है भाई सही है। तो गाइस ये जो वैगनार जा रहा ना DL6ER इसने भाई गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई गुड मॉर्निंग हो रही है सीधा ब्रेकफास्ट पे। ये देखो अपना रेस्टोरेंट भाई और ब्रेकफास्ट में आज क्या सूजी का क्या बोलते हैं क्या है उपमा और पराठे हैं और फ्लेवर्ड कर्ड बाकी उसके साथ थोड़ी सी चटनी वटनी ले ली भाई नारियल की और जूस दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये फ्लेवर्ड कर्ड ये नारियल की चटनी ये सूजी का उत्पा ये हो गया आलू पराठा जूस क्योंकि आइटम तो बहुत है बट खाने का इतना कुछ मूड नहीं है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा भाई अभी 11:49 और मैप हमने लगा दिया जो कि दिखा रहा है 6:31 में पहुंचा देगा 276 किलोमीटर यहाँ से। तो ओवरऑल भाई स्टे अपना बहुत बढ़िया था, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है भाई। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना मसूरी साइड तो अगर आपको मतलब ज़िंदगी में ना शांति चाहिए आ जाना चुपचाप से। नेटवर्क का इशूज है बाकी यहाँ पर वाईफाई वगैरह मिल जाएगा। और खाना अगर यहाँ पे आ रहे हो तो भाई खाना यहाँ पे अवॉइड करना, ब्रेकफास्ट इनका ले लेना। खाना खाना हो चले जाना मॉल रोड पे, कहाँ पे सैंडोज दिल्ली वाला खाना मिले मस्त भाई बेजोड़ खाना। हम तो वहीं से लाए थे पैक करवा के भाई मज़ेदार खाना था, आपका बजट में हो भी जाएगा क्योंकि खाना इनका कॉस्टली है और उस लायक है नहीं। देखो जो अच्छी चीज़ थी वो मैंने बता दी, स्टे अच्छा है कम्फर्टेबल है आप आके रुको। तो चलो भाई निकल दिए, मौसम भी वैसे ही हो रखा बादल वादल गिरे पड़े हैं, चलो फिर चलते। तो गाइज ये वही हाईवे है जो बन रहा ना दिल्ली से देहरादून के लिए, देख लो मस्त भाई काम तो बड़ा तेज चल रहा, बन जाएगा जल्दी जल्दी। तो अभी हम जस्ट देहरादून क्रॉस किए और फिर बीच में थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता पड़ता मस्त ग्रीनरी। और अभी भाई टाइम 230 किलोमीटर जाना है और टाइम कुछ वही 6:30 तो 7 मान के चलो क्योंकि एक आध स्टॉपेज भी लेंगे बीच में, 7:30-8 तक पहुँचेंगे। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं भाई, आराम आराम से जाएंगे। नीचे थोड़ी गर्मी भी है बट इधर तो बादल वादल है तो ठीक है चलो, बट हाँ ठीक है थोड़ा ठंडा भी है।
प्लीज गूगल बाबा जो है हमें रास्ता भटका दिए फिर से, बट रास्ता जो मिला अच्छा रास्ता है। ये जो है पता पानीपत के बाहर बाहर से निकाल के मुरथल होते हुए लेके जा रहा भाई दिल्ली, तो मुजफ्फरनगर या मेरठ होके नहीं, सीधा हमने डाल दिया था ना इधर का मैप, तो भाई उस हिसाब से इसने कनेक्ट कर लिया और अभी कुछ दिखा रहा 97 किलोमीटर। भाई रोड देखो यार कितना शानदार रोड है, और एक टोल पड़ा इस पे चढ़ते ही तो 70 रुपए कटे टोल के, बाकी रोड बहुत बढ़िया है। ये देखो ये सीधा रोड निकलेगा पानीपत, पानीपत के बाहर बाहर उस रोड में मिला देगा आपके वो करनाल वाले में, जीटी करनाल रोड। ये देखो अभी दिल्ली 94 ये बढ़िया भाई मजेदार रोड, बट ये बीच बीच में ये देख रहे हो ये जो क्रॉस कर रहे हैं इनका क्या किया जाए, बाकी रोड अच्छा भाई बहुत शानदार। गाइस ये देखो मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, यहीं से पढ़ा था भाई, ये देखो गन्नौर में पढ़ता DITM, दिख रहा ना भाई है भाई बिल्डिंग बची है सही है भाई सही है। सो गाइस ये जो वैगनआर जा रहा ना DL6CR, इसने भाई 4x4 का स्टिकर लगाया, ये देखो गाइज फाइनली जो है घर पहुंच गए और भाई ट्रिप बड़ी अच्छी थी, तो चलो अब आगे क्या ही बोलें। अगर देखो भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कोई नई ट्रिप लेके कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।